अतिया से भैया जे नहीं टक्कर हम मर दई बूढ़ा बस आई जई जे कर मर दई बूढ़ा बस आई जई चक्कर अरे केहू नहीं यही है समनवा हतिया निशनवा ये भैया ऐसा लालीपॉप वो दे दिए, ऐसा लोगों को लालीपॉप दे दिए, इस वजह से हिंदू मुसलमान सभी सारे लोग वोट दिए उनको, समझा? वो लालीपॉप मिला नहीं लोगों को, दे नहीं पाए। भाजपा सरकार कह रही है कि महिलाएं भाजपा में सरकार में सुरक्षित है, कुछ नहीं सुरक्षित है, कहीं नहीं सुरक्षित है, कौन कह रहा है सुरक्षित है? जिसका जेब जिसकी जेब भर रही है वो सुरक्षित है। ये बताइए सब अखिलेश यादव की सरकार में कितनी बहुत सुरक्षित आने वाली है ना, आज आगे देखिएगा। मुजफ्फरनगर का दंगा भूल गए क्या? क्या दंगा है? कौन कराया था? कौन कराया था? कौन कर सरकार किसकी थी? सरकार में देखिए। तो ये बताइए कि क्या मुद्दा होगा इस बार मुबारकपुर में? मुबारकपुर में भाई बसपा की सरकार बनेगी, बसपा की सरकार, बसपा की सरकार बनेगी जैसे भी बने। अभी कुछ भाई ने कहा कि सपा की सरकार बन रही है, सपा भी बन रहा वो भी ठीक है, ठीक है, सपा दोनों ठीक है। स्वागत है आप सभी का BTS न्यूज़ में। इस वक्त हम लोग उत्तर प्रदेश के मुबारकपुर विधानसभा में मौजूद हैं, जो कि विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो ऐसे में हम यहाँ पे मौजूद थे मुबारकपुर एजेंटी कहा जाता है, बड़ी एजेंटी कहा जाता है इसको। और आप हम दिखाएं कि हीरो बिरयानी और चांद बिरयानी के नाम से जो दुकान है मुबारकपुर की, बहुत ही फेमस दुकान है। तो ऐसे में चर्चा हम यहीं से शुरू करेंगे कि क्या होगा मुबारकपुर में, क्या मुद्दा होगा इस बार चुनाव में, और क्या लग रहा है यहाँ मुबारकपुर में, क्या माहौल है। जैसा कि हमारे साथ चाचा जी बैठे हैं, हम इनसे बात करेंगे कि मुबारकपुर में क्या माहौल है इस बार। अपना नाम बता दीजिए चाचा। हमारा नाम जहीरुद्दीन है। मुबारकपुर में क्या माहौल है? मुबारकपुर में माहौल सपा का दिख रहा है। सपा से कौन उम्मीदवार है इस बार यहाँ पे? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी। तो अखिलेश यादव जी का क्या माहौल है इस बार? अखिलेश यादव जी का अच्छा है। अच्छा, का माहौल अच्छा है। कहा जाता है कि मुबारकपुर से दो बार विधायक रह चुके हैं गुड्डू जमाली, इस बार उनको MIM से टिकट मिला है, क्या लग रहा है? कोई पोजीशन नहीं है। हाँ नहीं। क्यों, आखिर कोई कमी है? कोई कमी नहीं है। मतलब कहने का कि पार्टी बदल देने की वजह से यही माहौल खत्म हो गया उनका। अच्छा। अगर जो वही समाज सपा से रहते तो बहुत अच्छी पोजीशन होती, मगर फिर 10 साल के अंदर में कोई विकास उन्होंने नहीं किया यहाँ पर कस्बे के अंदर। अच्छा। कोई विकास नहीं। अच्छा, मान लीजिए कि अखिलेश यादव अगर विधायक बन जाते हैं तो क्या विकास करेंगे मुबारकपुर का? जी बिल्कुल करेंगे। हाँ करेंगे। गुड्डू जमाली ने कितना विकास करवाया आपका? कुछ भी नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं हुआ उनके वजह से। किस पार्टी से थे इसके पहले? बसपा से। तो बसपा में कहा जाता है कि मायावती चुनावी जो माहौल है इसमें एकदम चुप्पी साध कर बैठी हुई है, आखिर क्या वजह है? यही तो नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों चुप्पी साध के बैठी हुई है। हाँ, इसीलिए माहौल गड़बड़ दिखा रहा है। हाँ, जैसा कि हमारे साथ भाई भी मौजूद हैं, अपना नाम बता दीजिए। मोहम्मद आरिफ नाम है। आप तो नौजवान हैं, आप भाग क्यों रहे हैं? क्यों भाग नहीं रहे हैं? नहीं, चलिए अच्छी बात। वोट किसको करना है इस बार? किसको वोट देंगे? अखिलेश यादव को। अच्छा, ये बताइए हमको, विकास कौन कराएगा अगर मतलब कोई भी अगर मुख्यमंत्री बनता है आपकी नज़र में, विकास कौन कराएगा इस बार? अरे अखिलेश यादव हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, सब लाइन में लगे हुए हैं, वर्तमान में मंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। कितना विकास करवाएं अभी? काम तो ठीक कराया है। काम ठीक कराए हैं भाई, कह रहे हैं भाजपा ने काम ठीक कराया है। क्या करवाया? भाजपा ने कोई काम नहीं ठीक करवाया है, जो कुछ भी आजमगढ़ को दिया है वो अखिलेश और मुलायम ने दिया। अपना परिचय दे दीजिए। जहीर है मैं। जहीर भाई, ये बताइए क्या माहौल है मुबारकपुर में? मुबारकपुर के हालात तो ठीक है। ठीक है जी। हाँ, तो ये बताइए कि यहाँ पे बुनकरों की जो समस्या, जो कहा जाता है कि समस्या होती है बिजली जी, कितना उसका असर पड़ रहा है उससे? बिजली तो ठीक रह रही है। ठीक रह रही है यहाँ पे? हाँ, कोई मतलब समस्या नहीं है? कोई समस्या नहीं है बिजली। उत्तर प्रदेश में क्या समस्या है ये बताइए? उत्तर प्रदेश का हाल तो आप ही बता सकते हैं, हम लोग तो कस्बे या उस जिले की बात बता सकते हैं। अच्छा, जिले की बता दीजिए, क्या मुद्दा होगा यहाँ पे मुबारकपुर में, क्या मुद्दा हो रहा है, किस मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे? ये जो है जमाली साहब जो उठे हैं, इंशाल्लाह यही जीतेंगे। जमाली, गुड्डू जमाली पूरा नाम है ना? हाँ, गुड्डू जमाली साहब।
आइए चाचा इधर आइए, आप भाग रहे हैं, आप भी भाग रहे हैं, भागिए मत, आइए। कहाँ है तुम्हें? हाँ नाम बता दीजिए अपना। हाँ अपना नाम बताइए। मासूम रदा। ना मासूम भाई, ये बताइए कि मुबारकपुर में क्या लग रहा है, कौन आएगा? अब तो सभी लोग तो आते हैं, नेता लोग आते हैं। हाँ। मोदी के सब आते हैं ऐसे। हाँ। सभी आते हैं। अच्छा अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी से उठे लोग आते हैं। आते हैं। हाँ। जीतेगा कौन? अब देखो किस्मत में आएगा तो जीत जाएगा। अच्छा कोई बात नहीं, आपकी नज़र में कौन अच्छा है, नाम बता दे। कौन अच्छा आप बताइए, मैं कौन बताऊँ तो। नहीं कि पार्टी में हम। अच्छा अपना नाम बता दीजिए, आपकी तारीफ कर रहे हैं बहुत। ये रिजवान अहमद नाम है मेरा। रिजवान भाई जी। हाँ ये बताइए कि आप पहले तो बताइए किसके समर्थन में आप हैं? समाजवादी। समाजवादी पार्टी, जो अखिलेश यादव को टिकट मिला है यहाँ से। हाँ अखिलेश पर अखिलेश है। अखिलेश पर अखिलेश है। हाँ तो क्या हलचल मचेगी इस बार चुनाव में? अरे हर आदमी की यही जबान पे है कि तब्दीली। किससे? किससे? भाजपा से तब्दीली चाहिए हमको। अच्छा। हाँ तो सपा की सरकार होनी चाहिए। हाँ। सपा के समर्थन में सभी लोग हैं, पूरा कस्बा जाएगा सपा की तरफ। अच्छा। हाँ तो ये बताइए हमको कि आखिर क्या कमी है बीजेपी? कमियां हैं, बहुत कमियां हैं। गिना दीजिए तो, तो कमियां कि बच्चे लोग का भविष्य डूब रहा है। हाँ। पढ़ाई के एतबार से देख लीजिए आप। अरे कोरोना भी तो था। कोरोना ठीक है था लेकिन उसके मद्देनजर उसको पढ़ाई तो ज्यादा रखना चाहिए। तो एकदम स्कूल बंद करके सब टहल रहे हैं अपना। हाँ अपनी आवास मिल गया। हम तो नहीं, पूर्वांचल एक्सप्रेस तैयार हो गया। मिला होगा उसको, मिलेगा, हम तो न लिए न लेने वाले हैं। हाँ। हमको आवास नहीं चाहिए। ये बताइए कि भाजपा का एक नारा है काम असरदार, सोच ईमानदार काम असरदार, कितना असर पड़ेगा चुनाव में? चुनाव में भरपूर असर पड़ेगा उनको। चुनाव में भरपूर असर पड़ेगा। इस बार परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा? परिवर्तन हो रहा है। अच्छा एक बयान बहुत ही सुर्खियों में है इस बार कि गर्मी और सर्दी वाला, सुने कि नहीं इसको? इसको तो हम बराबर सुनते हैं। तो ये बताइए मुख्यमंत्री हो, मतलब जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, वो इस तरह का बयान दें सही है? नहीं इस तरह का बयान मुख्यमंत्री को देना ही नहीं चाहिए। अखिलेश यादव ने भी तो उनका जवाब दिया उसी तरह से। उसी तरह से जीत दिया है। हाँ। भाई जवाब जब आदमी सवाल किया है तो उसका जवाब देना भी जरूरी है। तो क्या नाम है अखिलेश यादव से का कहना है कि जनता को हम देख लेंगे, तो इसका क्या मतलब होगा? अब जनता को देख लेंगे किस तरह से देखेंगे ये तो हमको नहीं मालूम। हाँ कहने को तो कोई कुछ भी कह दे मगर अब क्या देखेंगे वो। मतलब सब कुछ यहाँ से हटा दीजिए तो मुबारकपुर में, मुबारकपुर सीट पर बसपा भारी है। कहा जाता है भाजपा का कहना है सपा भारी है। भाजपा का कहना है कि महिलाएं भाजपा सरकार में बहुत सुरक्षित है। समाजवादी पार्टी में सुरक्षित नहीं थी? नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। आज भी देखिए, कल परसों की टीवी में देखिए कहाँ महिलाएं सुरक्षित हैं। उनके साथ तो हो ही रहा है जो होना है, है? कहाँ सुरक्षित हैं भाई। तो क्या लग रहा है कौन आएगा इस बार? इस बार आएंगे अखिलेश। आएंगे अखिलेश यादव आएंगे, वही आएंगे। नाम बता दीजिए चाचा जी। रईस अहमद। ये बताइए कि मुबारकपुर ये बुनकरों का शहर कहा, बुनकरों की नगरी, रेशमी नगरी कहा जाता है मुबारकपुर के ना, ये बताइए क्या माहौल है यहाँ? माहौल तो बन रहा है, बहुत अच्छा बन रहा है। और अब देखिए जनता जो है विकास पर वोट देना चाहती है। अच्छा। विनाश पर नहीं। हाँ। क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद ये बहुत हो चुका है। अब जनता ये चाह रही है कि साफ सुथरी सरकार बने। हाँ। और जनता का विकास बने। हाँ। क्योंकि विकास ही से देश की तरक्की है, अगर विकास नहीं होगा तो देश तरक्की नहीं करेगा। भाजपा ने इतना योजनाएँ निकाली हैं, इतना विकास करवाया, अभी आप क्या चाहिए? विकास में कहाँ करा, लास्ट में थोड़ा किया, और अब जो है मतलब कि जो पहले का जो अखिलेश यादव का था 4 लेन 6 लेन था। हाँ। 100 नंबर पुलिस गाड़ी थी, और ये जो है आपका जो है सरकारी अस्पताल था। हाँ। ये बहुत सारी जो योजनाएं जो है ये। हाँ। मतलब विकास जो है अखिलेश यादव ने किया है। अखिलेश यादव एक जो है विकास पुरुष है। अच्छा यहाँ पे मुबारकपुर में एक बस स्टैंड है, आखिर क्या वजह है कि वो अभी तक बंद है, क्या मामला? इसकी वजह यह है कि मतलब कि जो है ये योगी मुख्यमंत्री जो है अभी इस पर मतलब कि अपना ध्यान नहीं दिए हैं। हाँ। जिनके कारण जो अभी तक बंद चल रहा है। अच्छा। अगर ध्यान दिए होते तो कितनी बसें यहाँ से आती जाती हैं। तो इससे आप लोग कितनी परेशानी होती है? परेशानी तो बहुत है, ज़्यादातर रात में परेशानी होती है। हाँ। जैसे 8 बजे रात को अगर कहीं से आएगा आदमी
तो सटियाँ में गाड़ी नहीं मिलती है, जिसकी वजह से मतलब कि वहीं रुकना पड़ जाता है। अगर ये बस चलती रहती तो मतलब कि सुविधा मिलती रहती है। मुद्दा क्या होगा इस बार? इस बार मुद्दा मुझे लगता है कि विकास का होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ विकास हमारे साथ भाई मौजूद। इधर आइए, नाम बताइए अपना। मिट्टू। मिट्टू नाम है जी सर। बड़ा प्यारा नाम है आपका। जी सर। हाँ, तो ये बताइए कि क्या मुद्दा होगा इस बार मुबारकपुर में? मुबारकपुर में भाई बसपा की सरकार बनेगी। बसपा की सरकार? बसपा की सरकार बनेगी, चाहे जैसे भी बने। हाँ। अभी किसी भाई ने कहा कि सपा की सरकार बन रही है। सपा भी बन जाओ, वही ठीक है। ठीक है, सपा दोनों ठीक है। दोनों ठीक है। विकास कितना हुआ है? विकास तो भाई मायावती भी, मायावती तो बहुत लोगों की सफाई कर्मी में नौकरी दिया। हाँ। वो अच्छे अच्छे काम किए, वो भी अच्छा काम किया है। हाँ। सपा भी अच्छा काम किया है। ये दोनों जो मिलने के जोगी नहीं आवे। हाँ। जोगी नहीं आवे। आखिर क्या वजह है? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनवा दिया, आवाज दे दिया। महंगाई तो इतना कर रहे, अरे आवास वाले बाप के घर से थोड़ा दिया है वो। पहले को हम गरीबों में से काटा काट कर दिया है सारा। गैस सिलेंडर फ्री में देकर इतना महंगा कर दिया गैस। 1000 रुपया गैस कहाँ, किसके पास पैसा रहेगा? भरेगा। महंगाई का असर पड़ रहा है, बहुत महंगाई का असर पड़ रहा है। चुनाव में इसका असर दिखेगा? अब जरूर दिखेगा। कौन आ रहा है तो बता दीजिए। अखिलेश या मायावती? कंफर्म बताइए कौन आ रहा है। नहीं, मायावती सरकार बनेगी। मायावती की सरकार बनेगी। हाँ, सरकार बनेगी। अभी अखिलेश यादव कह रहे थे। नहीं नहीं, गठबंधन है सर, मायावती सरकार। मायावती तो पूरा भाजपा का समर्थन कर रही है। मायावती भाजपा का समर्थन कर रही है? जी हाँ। आखिर क्यों? आखिर जो उनका कार्यकर्ता जीतेगा तो मायावती साफ कह रही है कि भाजपा को दे दिया जाएगा। अच्छा, भाजपा को समर्थन कर रही है तब उसके लिए भाई। अब अखिलेश को तो मुश्किल है जीतना। कौन अखिलेश? अरे सीएम अखिलेश को तो जीतना मुश्किल है। नहीं नहीं, मुश्किल नहीं है, उनकी सरकार ही बनेगी। अखिलेश यादव सरकार बनेगी? जी हाँ। अखिलेश यादव में आपको पसंद क्या आ गया है, ये बता दीजिए। भैया अखिलेश यादव पूरा काम कर रहे हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेस उनके नाम से है। हाँ। उद्घाटन योगी जी किए, तो मोदी जी ने बनवाया तो उद्घाटन वही करेंगे। क्यों करेंगे? हाँ। उनके सरकार में पास हुआ था। अच्छा। और इनके सरकार में भाई पूरा तैयार हो गया तो उद्घाटन कर दिए। तो आखिर ये बताइए कि अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, उत्तर प्रदेश में बुनकरों की भी संख्या अच्छी खासी है, तो आखिर क्या वजह है कि बुनकरों की आवाज़ नहीं उठाई जा रही है? बुनकर जब आवाज़ उठाएगा तभी तो। हाँ। बुनकर की सुनी जाएगी। हाँ। बुनकर कुछ कह ही नहीं रहा है। आखिर क्या वजह है बुनकर शांत बैठे हुए हैं? अब पता नहीं, मुझको मालूम नहीं है भाई। अब बुनकर के बारे में बुनकर ही बताएंगे हम लोग। तो बुनकर नहीं है? नहीं। क्या करते हैं आप? हम लोग सब्जी बेच रहे हैं। सब्जी बेचते हैं। महंगाई कितनी है? महंगाई तो बहुत है, आसमान छू रही है महंगाई। अपना नाम बता दीजिए। राशिद। आप काफ़ी देर से मुस्कुरा रहे हैं जी। हाँ राशिद भाई, ये बताइए क्या हलचल बचेगी इस बार चुनाव में? इस बार तो नया परिवर्तन आने वाला है। नया परिवर्तन? एकदम नया। कौन आ जाएगा नए में? बस हमारे जमाली साहब आ रहे हैं पूरे जोरों शोर से। अच्छा, जमाली साहब जी। जमाली जो MIM से गठबंधन जी, AIM सीट मिली है उनको। जी जी जी, मुबारकपुर सदर से ना। जी जी। हाँ, तो ये बताइए कि उनको यहाँ से टिकट मिला है तो क्या लग रहा है? दो बार विधायक है अभी तक, कितना विकास करा? दो बार विधायक हैं। विकास, पहली बात तो उनको जो विकास करने का मौका ही नहीं मिला है, सरकार नहीं थी उनके। 10 साल कम है क्या विकास करने? 10 साल सरकार नहीं थी ना उनकी। अच्छा, सिर्फ अब विधायक थे ना। हाँ। सरकार नहीं थी, उससे मजबूर थे वो। हाँ। पास नहीं, टेंडर पास नहीं हो रहा था उनका। अगर मान लीजिए तो MIM से हैं जी, अगर जीत जाते हैं तो अभी जी पूरा विकास करेंगे। विकास करेंगे जी, बिल्कुल करेंगे। आवाज़ उठाएंगे बुनकरों की? बिल्कुल। चलिए, भाजपा सरकार कह रही है कि महिलाएं भाजपा में सरकार में सुरक्षित हैं। कुछ नहीं सुरक्षित है, कहीं नहीं सुरक्षित है। कौन कह रहा है सुरक्षित है? हाँ। जिसका जेब, जिसकी जेब भर रही है वो सुरक्षित है। हाँ। ये बताइए तब अखिलेश यादव की सरकार में कितनी सुरक्षित है? बहुत सुरक्षित आने वाली है ना, आ जाके देखिएगा। मुजफ्फरनगर का दंगा भूल गए क्या? क्या दंगा है? कौन कराया था? कौन कराया था? कौन कर सरकार किसकी थी? सरकार मत देखिए, कराया कौन सा? अरे सरकार पे ही आ जाती है। पहले आप ये जान लीजिए, जो सरकार में है ठीक है, दंगा कराने पर सरकार में दंगा कहाँ से होगा? हाँ। अच्छा। हाँ, तो ये बताइए बीजेपी में आखिर क्या? बीजेपी तो कहती है कि हम उत्तर प्रदेश में से गुंडा और माफियाओं का मुक्त करा दिए हैं उत्तर प्रदेश को। क्या करा दिए बताइए? अरे यार वही गुंडा लोग उन्हीं के साथ हैं। हाँ। कुछ नहीं खत्म हुआ है। अच्छा। गुंडागर्दी कहाँ से? हाँ। जो सरकार में है सब फसाद कैसे होगा? सरकार जो है फसादी सरकार में फसाद कहाँ से होगा बताइए आप? अच्छा।
आपके कहने का मतलब है कि सब भाजपा में ज्यादा लोग हैं, उसी में है सारा क्रिमिनल, उसी में बैठा। ये बताइए कि शिक्षा की बात की जाए तो कितना शिक्षा अभी तक, क्या माहौल है शिक्षा का, क्या माहौल बताइए शिक्षा का, क्या बात, पढ़ाई लिखाई पे कितना असर पड़ रहा है इस बार? बहुत पड़ेगा, इससे ज्यादा पड़ेगा, ये सरकार आ जाएगी तो जो भी बच्चे पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो भी डूब जाएंगे इसी में। अच्छा, हाँ क्या समझ रहे हैं आप? अगले योगी आदित्यनाथ ने तो लैपटॉप और स्मार्टफोन बांट दिया 1 करोड़। अरे उससे पहले वो देखे देखा बांट रहे हैं, उससे पहले अखिलेश ने बांट के दिखा दिया है यूपी में। मुबारकपुर की बात, अभी जिसको मिला वो चल भी रहा है लैपटॉप, ऐसा नहीं है डुप्लीकेट नहीं है इनका वाला कि चलिए 1-2 महीना चला बंद हो गया। समाजवादी की सरकार बनने जा रही है और बेहतर ये है कि सभी लोग उठिए से जुड़िए, सरकार बदलिए, परिवर्तन चाहिए। ये भाई जब बोल रहे हैं कि वो आएंगे गुड्डू जमाली आएंगे, भाई इनका अपना मैटर है। ये इधर आइए, आप इधर आइए, मेरा मैटर नहीं है जी। कह रहे हैं सपा आ रही है, भाई उनका अपना अनुमान है। हम लोग युवा हैं, युवा नया परिवर्तन लाएंगे। नया परिवर्तन लाएंगे जी, हम सबको परिवर्तन अपना, हम युवा हैं। अपना नाम बता दीजिए। मेरा मोहम्मद इमरान। इमरान भाई ये बताइए कि क्या लग रहा है मुबारकपुर में, किसकी हलचल है इस बार? गुड्डू जमाली की है। गुड्डू जमाली, मैं सोच रहा हूँ कि भाई वो विधायक दो मतलब बहुत मदद करते हैं, और मैं सोचता हूँ कि वो भी अभी विधायक रहे, अच्छे हैं आदमी और बढ़िया काम करते हैं, काम कर रहे हैं। तो कौन आएगा इस बार? जमाली साहब आएंगे। जमाली साहब कौन आ रहा है? वही आ रहे हैं, गुड्डू जमाली साहब। गुड्डू जमाली कौन आ रहा है? जी गुड्डू जमाली आए हैं, जिंदाबाद। कौन आ रहा है मुबारकपुर में? साइकिल। साइकिल कौन है साइकिल के प्रत्याशी? अखिलेश। अखिलेश अखिलेश पूरा नाम? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ये बताइए कि अखिलेश यादव कितना विकास किए अभी तक? हैं सबके सामने जो नहीं किए उससे अच्छा हुआ है। आइए साथ अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम फखरुद्दीन है। आपके इस गमछे से लग रहा है कि आप समाजवादी हैं? हाँ पक्का समाजवादी। पक्के समाजवादी? पक्के सिपाही हूँ मैं समाजवादी का। क्या माहौल होगा इस बार? माहौल बहुत बढ़िया है। तो आप क्या लग रहा है कि यहाँ पे क्या लग रहा है कि किसका मतलब? सबकी जमानत जब्त कर देंगे हम लोग। अच्छा, सबकी जमानत जब्त। गुड्डू जमाली 2 बार से विधायक हैं। हाँ तो उससे कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना वोट पाएंगे उतने वोट से हम लोग चुनाव जीतेंगे। अच्छा तो ये बताइए कि बीजेपी सरकार तो कह रही है कि हम वापस आ रहे हैं, वापस वापस कहाँ आएंगे? उनका किरदार अच्छा नहीं, क्यों आएंगे वापस? क्या खराबी देख ली है? क्या यही खराबी है, अच्छाई है कि रात में जो खेत में माँ बाप ड्यूटी करें, हाँ। लड़का सोए, लड़का जागे तो लड़का जा खेत में ड्यूटी। अच्छा, करे, यही ड्यूटी है, हाँ। यही विकास उनका है। असदुद्दीन ओवैसी की बात की जाए, असदुद्दीन ओवैसी पे अभी जल्दी हमला हुआ तो इस पे क्या कहें? कुछ नहीं, सब अफवाह है, कुछ नहीं, सब कुछ नहीं, ऐसा तो नहीं ना चुनावी माहौल को देखते हुए? नहीं नहीं कुछ नहीं, कुछ सब अफवाह है, ये सब गलत बात। तो ये बताइए कि हर एक दल अपना प्रचार प्रसार कर रही है, तो क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में क्या माहौल है? हमारी सरकार बनने जा रही है समाजवादी की, समाजवादी आ रही है। कोई टक्कर किससे आपकी ये बताइए? हमारी टक्कर किससे नहीं, अफवाहों से। तो आखिर क्या वजह रही कि बीजेपी से सपा इतनी बुरी तरह हारी, जो अभी सरकार बनी है बीजेपी का सपा कोई ऐसा लालीपाप वो दे दिए, ऐसा लोगों को लालीपाप दे दिए, इस वजह से हिंदू मुसलमान सभी सारे लोग वोट दिए उनको, समझा? वो लालीपाल मिला नहीं लोगों को, दे नहीं पाए। तो अखिलेश यादव ने कहा है कि हम सरकार बनती है तो जो बुनकरों का फ्लैट रेट है उसको बहाल करा देंगे, कराएंगे ही, किसानों को बिजली माफ, बिजली मुफ्त देंगे, मुफ्त देंगे। तो इस पे क्या लग रहा है कि कागजों पे रहेगा या जमीनी स्तर पर उतरेगा? अरे कागज पर रहेगा 100%, जिस दिन शपथ लेंगे उसी दिन पहली। अभी अभी आपने बोला कागज पे रहेगा, जैसे कागज पर तो रहबे करेगा, लिखित तो रहबे करेगा, कागज अपन लिखेंगे, वो पहली कलम उनकी उसी पर चलेगी, 300 यूनिट फ्री किसानों और बुनकरों के लिए, सारे लोगों के लिए पहली कलम। आखिर क्या वजह है कि बुनकरों की आवाज़ फिर नहीं उठाई जा रही? क्या वजह है? क्या केवल ये हिंदू मुसलमान का दंगा वाला मामला है, हम बस लगा देंगे और कुछ नहीं है, देखा जाए। इनका विकास यही है, बस इनका विकास यही है, आधार इधर जोड़ो, पैन कार्ड वो जोड़ो, NRC लाओ, ये करो, है मुसलमानों को पाकिस्तान भगाओ, है समझा, यही सब नारा है उनका और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। चाचा जी अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम अनवर अहमद है,
हम समाजवादी को मानते हैं हमेशा से और हमेशा मानते रहेंगे। हाँ उसी वोट से इसलिए वो जीत रही है उसको जिताएंगे। गुड्डू जमाली दो विधायक हैं? नहीं है, भले हैं लेकिन हम लोग गुड्डू जमाली समाजवादी को हैं। विकास हुआ कि नहीं हुआ उनके में? किसके मां नहीं किसी को नहीं किया, कोई नहीं किया है विकास। अखिलेश यादव आएंगे तो विकास कराएंगे? हो सकता है कराएं। अच्छा कराएंगे, बिल्कुल उम्मीद है। जैसा कि इस वक्त हम लोग विधानसभा मुबारकपुर में मौजूद थे और हमने बात किया यहाँ की जनता से, क्या है यहाँ का माहौल आपने देखा वीडियो में। आगे की अपडेट इसी तरह देते रहेंगे। मैं मोहम्मद रेहान उत्तर प्रदेश मऊ से, कैमरामैन धर्मेंद्र भारद्वाज के साथ।